लंगर वाली दाल, जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। भाई, हमें तो ये लंगर वाली दाल खाना इतना ज़्यादा पसंद है कि जब भी हम गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं तो चाहे हमें भूख हो या ना हो, पर हम लंगर ज़रूर खा के आते हैं। मैंने बहुत बार अलग अलग तरीके से इस दाल को घर में बनाने की ट्राई की, पर कभी सेम टेस्ट नहीं बना पाई जो हमें गुरुद्वारे में खाने वक्त मिलता है। गुरुद्वारे में जो दाल बनती है ना, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये दाल इतनी डालनी है, बस इतनी ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालो। वहाँ पर अनगिनत संगत के लिए बहुत ही प्यार से, स्नेह से लंगर बनाया जाता है। तो काफ़ी बार ट्राई करने के बाद अब जाके फाइनली मैं लंगर जैसी दाल घर पर बना पाई हूँ, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ एक कटोरी में साबुत माँ, जिसे हम ब्लैक उड़द दाल कहते हैं, वो आधी कटोरी ली है। इसके कोई मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है, तो मैं जैसे डाल रही हूँ आप भी ऐसे ही डाल लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी ये छिलके वाली दाल, उड़द दाल डालेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि लंगर वाली दाल का कोई एग्जैक्ट माप नहीं होता, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही एक ही कटोरी को लेती हूँ और अंदाजे से डालकर दाल बनाती हूँ। यकीन मानिए, बहुत टेस्टी बनती है। अब ये ली है मैंने चना दाल, ये भी थोड़ी सी ही डालनी है। आप एक ही कटोरी ले और उसी के ऊपर इन दाल को डालते जाएं। अब मैं हमेशा लास्ट में ये साबुत मूंग दाल सिर्फ मुट्ठी भर डालती हूँ, लेकिन ज़रूर डालती हूँ। अगर आपको नहीं डालनी तो आप इस दाल को स्किप कर सकते हैं। इन सबको एक बड़े बाउल में निकालकर अच्छी तरह से दोनों हाथों से मसल मसल कर वॉश कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी डालें और दोनों हाथों से इसको रगड़ें, और इसमें जो गंदगी है, सारी गंदगी इसकी दाल की निकाल लें। 5-6 बार पानी आपको चेंज करना पड़ेगा, पर ये दाल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। जब इस तरह से पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इट मीन्स आपकी दाल बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब ये पानी निकाल कर आप इस दाल को प्रेशर कुकर में डाल दें। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपको हाफ़ प्रेशर कुकर तक रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि जब आप दाल को फिर कुक करेंगे तो पानी, प्रेशर कुकर जब विसल बजाएगा तो पानी सहर बाहर आएगा। तो आप हाफ़ प्रेशर कुकर तक पानी डालिए। और अब इसमें मैं गार्लिक, ये गार्लिक मैंने रफली चॉप किया है, तो ये 2 चम्मच मैं गार्लिक डाल दूँगी। चम्मच मैंने छोटे साइज़ का लिया है, तो आप भी देख लें आपको कितना डालना है। तो ये 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने डाली हैं, 2 चम्मच मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। और इसमें मैं जिंजर को बारीक को और लंबा लंबा काट के वो भी इसमें डाल दूंगी। ये भी 2 चम्मच के लगभग आसपास होएगा। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक आप, मैंने 1.5 चम्मच डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और 1.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। अब इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और कम से कम 35 मिनट्स या 40 मिनट्स तक इसको आप पकाएंगे दाल को। पहले आप मीडियम तेज़ फ्लेम को पूरे हाई फ्लेम पे रखिए, और जब एक विसल हो जाए तो उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर इसको 35 मिनट्स तक कुक करें। जब तक ये कुक हो रही है, तो तब तक मैंने यहाँ पर 2 अनियन और 1 टमाटो लिया है। इन दोनों को फाइनली चॉप करके रख लेंगे। ये 2 अनियन है जिनको मैंने फाइनली चॉप किया है, और ये 1 टमाटो है, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। अब 40 मिनट्स हो गए हैं, अपनी दाल खोल के देखते हैं। देखिए, ये दाल कुछ इस तरह से बन गई है, लेकिन हमें इसे प्रॉपर कुक करना है, ये अभी तक भी प्रॉपर नहीं बनी। तो इसको पहले हम एक साइड पर रख लेते हैं, पहले अपना हम तब तक तड़का रेडी कर लेते हैं। तो अब मैं तड़का लगाऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में पहले 1 चम्मच ऑयल लेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है, और बाकी जो आप ये सर्विंग स्पून देख रहे हैं, ये इसमें देसी घी है। ये 1.5 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। तो अगर आप सिर्फ तड़का देसी घी में लगाना चाहते हो तो सिर्फ देसी घी में लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तेल के साथ मत लगाइएगा, देसी घी ज़रूर डालिएगा। जब ये दोनों अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा डाल दीजिए। ज़ीरे को भूनने के बाद इसमें जो हमने प्याज काट के रखा था वो प्याज ऐड करेंगे, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए, इसको पूरा गोल्डन ब्राउन कर लें। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जो टमाटो काट के रखा था वो डाल देंगे, और इसको भी आपने भूनना है, रफली भूनना है इसको अच्छी तरह से। फाइनली आप मैश मत करें टमाटो को, इसमें ऐसा ही रहने दें दरदरा। और इसमें आप 1 चम्मच से कम देगी मिर्च ऐड करें। आप इसमें 1 चम्मच
कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, जिसे हम धनिया पाउडर कहते हैं। तो ये मेरा तड़का काफ़ी हद तक बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है डालने में तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, पर बहुत कम मात्रा में डालिए। मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं अब ये तड़का बन गया है, इसको मैं दाल में डाल दूँगी। देखिए अब मैंने फ्लेम मीडियम पे कर दिया है और इसको मैंने सारे तड़के को दाल में डाल दिया है, लेकिन ये दाल हमारी काफ़ी गाढ़ी है तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। तो पानी यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 से 2 गिलास तक मैंने पानी डाल दिया है, और दोबारा से प्रेशर कुकर को बंद करके अब हाई फ्लेम पर ही आपको पकाना, मीडियम पर नहीं करना, और 3 से 4 विसल्स आप बजा दें। 3 से 4 विसल्स बज चुकी हैं, अब स्टीम भी निकल चुकी है, तो मैं इसको खोल के देखती हूँ कि अब ये कैसी बनी है। अभी भी ये दाल, मैं यही कहूँगी कि ये प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, इसमें आपको पानी अलग और दाल अलग नज़र आ रही होगी। इसे हम अब ओपन में 10 से 15 मिनट तक दोबारा से कुक करेंगे। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखें और 15 मिनट तक इसको पकने दें, क्योंकि इसका जो पानी है वो पूरा जब दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ अब ये दाल हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। बीच बीच में आप इसको हिलाते ज़रूर डाल जाएं, क्योंकि लंगर वाली जो दाल बनती है वहाँ पर वो एक बहुत बड़े खुले वाले बर्तन में और लोहे के बर्तन में बनाते हैं, तो तभी वो थोड़ी कालेपन में आती है, क्योंकि वो लोहे का जो होता है ना स्वाद, वो दाल में चला जाता है, इसलिए वो दाल का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो मेरे पास तो वो कढ़ाई नहीं है तो मैं कुकर में ही बना रही हूँ। अब लास्ट में इसमें 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे, और अगर आपके पास धनिया, हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों का मौसम है, मेरे पास धनिया नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पर कसूरी मेथी हाथ से ही मैश करके वो डाल रही हूँ। अभी भी मैं इसको 5 मिनट और के लिए कुक करूँगी, लेकिन मेरे घर में जब भी दाल बनती है तो सबको भूख बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस चारों ओर फैल जाती है और सबको होता है कि फटाफट से हमें ये दाल मिल जाए और हम फटाफट से खाना खा लें। तो मुझे लग रहा है कि अब ये दाल काफ़ी हद तक मिक्स हो चुकी है, क्योंकि मैंने 10 से 15 मिनट्स को अच्छी तरह से पका लिया है, साथ साथ में मैंने इसको हिलाकर और कड़छी की हेल्प से इसको दाल को साइडों से मसल भी दिया है। तो ये देखिए अब दाल बिल्कुल मेरी बन के रेडी है। आप देख पा रहे होंगे कि दाल का पानी और दाल बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो इसका अब जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ठीक आया है। तो अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मुझे पक्का यकीन है अगर आप ये दाल घर पर बनाएंगे आपको भी बहुत पसंद आएगा, और आपको भी वही सेम टेस्ट लगेगा, आपको लगेगा जैसे हम घर पे नहीं गुरुद्वारे में बैठ के लंगर खा रहे हैं, तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।